हेलो माय लव्ड वंस। तो बहुत दिन आएंगे बाद एक व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। सो ये व्लॉग आपको पार्क के बारे में तो मैं सुबह ही जब भी उठती तो मेरी तरफ से तुम ना फ्री एडवाइस लियो तो लियो, नहीं तो नको लियो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड। बट जब भी सुबह उठती वॉकिंग शुरू करो। देखो पीछे जैसा अंकल वॉकिंग कर ले कर रहे हैं वैसा वॉकिंग शुरू करो। तुम्हारा फैट गलना कर तो जॉगिंग करो। तो बहुत कुछ चीज़ें करो पार्क में, आको बहुत सारी जगह रहते हैं और फ्री झूले भी रहती हैं, जिम को जाने की ज़रूरत नहीं। झूले किसे कहते तो फ्री इक्विपमेंट्स, जिम के इक्विपमेंट्स वो तुम्हें करे तो तुम्हारे क्या हो बॉडी फ्री होते और तुम्हारा फैट लूज़ होता। सो अब मैं पार्क के बारे में क्या बोलना चाहूँगा, तो जब भी मैं ये पार्क को आता हूँ, यहाँ को नियर विजयनगर है, सो जब भी मैं पार्क को आता हूँ एक रकम का फील सुकून ही अलग रहता, एकदम पीसफुल फील होता मुझे। सो दैट्स इट। उसके बाद आपको पीछे जो बैठी नहीं पूरे मुझे अच्छा देख रही है। खैर क्या भी करने नहीं होता, व्लॉगर और आर्टिस्ट की एक लाइफ ऐसी। आर्टिस्ट जो भी करता चार आदमियाँ देखती हैं उसे। सो चार आदमियाँ की क्या तभी बोल रहा तो मैं क्या भी ज़्यादा ये करने नहीं जाता, मुझे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स इट। सो अब मैं जा रही हूँ ऑपोजिट एक पूरा एक राउंड मार रूँ उसमें पार्क का, कैसा कैसा आदमियाँ हैं, क्या क्या है पार्क में मेरे को। सो ऑलमोस्ट देखने को मिलता रखमे रखम के झाड़ा होती, वो झाड़ा के साथ साथ रखमे रखम के आदमियाँ भी रहती। सो वो आदमियों को हमें केयर नहीं करने होता, केयर करना च नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी ज़िंदगी में भी वही सच, रखमे रखम के आदमियाँ आती उनको केयर ही नहीं करना। तुम्हें तुम्हारा लाइफ तुम्हारा फोकस के ऊपर, तुम्हारे गोल के ऊपर तुम्हें फोकस करना, सॉरी। सो ये बोलना चाह रहा हूँ। सो अब देखो मुझे बल्ला के आदमियाँ देखे, वहाँ से आया स्टेम्पो यहाँ तलक आया, बहुत जने देखे, बट मैं मेरे रास्ते को फोकस कर ले को, मेरे कैमरे मेरी बातचीत को फोकस कर ले को, ब्लॉग पर फोकस कर ले को, मैं जा ले को हूँ। और अभी बहुत से आदमी आ ले को ही, आई डोंट केयर। सो जगह दिखा रहा हूँ यहाँ से ले को, बहुत लंबी है यहाँ को। मैं 2 साल पहले यानी लॉकडाउन खुल को नया नया, तो जब मैं लॉकडाउन के टाइम या खुल को नया नया सिंस 2021, तो यहाँ को मैं वर्कआउट करता था बहुत ज़्यादा, एकदम ज़्यादा वर्कआउट करता था। सो मैं भी हमारे एक जने बड़े भाई थे अर्शद बोल को, सो उन्होंने भी मैं यहाँ को वर्कआउट करते थे से यहाँ, जब ये टाइल्स पूरा क्या भी नहीं डाले थे, टाइल्स जो दिख रही ना नीचे वो क्या भी नहीं डाले थे, जस्ट मट्ठी मट्ठी थी यहाँ पूरी भी, वो मट्ठी में लिड़को फंस रही थी एकदम, स्वेट तो पानी के सका निकलता पसीना, ऐसा ज़बरदस्त वर्कआउट करता। टाइक्वांडो, टाइक्वांडो आपको एक कोरियन मार्शल आर्ट, सर्च करो तुम्हें फ्री रहता हो टाइक्वांडो करो। सो एज अंकल इज़ डूइंग द एक्सरसाइज ऑन द इक्विपमेंट्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द पार्क। तो ये भी वॉच यहाँ आपको बैठ जाती हैं, ऑलमोस्ट बैठ जा को एक्सरसाइज करती यहाँ आपको, चढ़ को स्ट्रेंथिंग के वास्ते चढ़ को एक्सरसाइज करती और ये आपको बैठ को ये करने का। सो ये सभी कई को बोल रूँगा तो तुम ना पूरा एक बेनिफिट है, फ्री बेनिफिट। सो मैं बोला ना ये सब भी तुम ना फ्री बेनिफिट। ये नियरेस्ट पार्क कहाँ का है वहाँ तुम्हें जाको आराम से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ऑलमोस्ट पूरे बैंगलोर में अगर तुम्हें मुझे दूसरी जगह से देखनी, अगर वहाँ पार्क भी नहीं रहे तो एक खुला मैदान रहता हूँ वहाँ जा खाली वो रनिंग करो, बहुत अच्छा दिखता है, एक तुम्हारे डेली हेल्थ अच्छा, डे बाई डे बहुत फिटनेस आता तुम्हारे इसमें। और जो भी मोटे हैं उन्हें एक्सरसाइज करो, यूट्यूब में देखो एक्सरसाइज करो और बहुत चीज़ें सीखो लाइफ में और आगे बढ़ना नको भूलो। मैं बोला फोकस ऑन योर गोल्स, ओके। आज के ज़माने में खाली पैसा चल रहा था, पैसा रहा तो तुम्हारी इज्जत, ओके। बोल रहा हूँ घर को बेजार कर लो ना को, जो है रियलिटी बोला सो। एंड दैट्स इट, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक मिलेंगे।